तो गाइस बहुत ही तेजों की बारिश आ चुकी है भाई, वो ट्रैक्टर में भगा लिया ने, के ट्रैक्टर रुको बे गई भगा लिया ने, देखो गाइस जल्दी देखिए हम भीग चुका फट चुकी है हमारी जल्दी। तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इरफान नदीम ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग है रामपुर में जो बेग ढाबा है, यूपी बाईस बेग ढाबा। दोस्तों वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ की आपको एक चीज दिखाएंगे, बहुत बड़ा बेग ढाबा है, बहुत ही शानदार लोकेशन है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के चलते हैं, ये अपने साथ हैं इरफान भाई और अफरोज, तो चलिए चलते हैं यूपी बाईस बेग ढाबा, लेट्स गो। तो गाइस बहुत ही तेजों की बारिश आ चुकी है, बहुत पूरे भीग गए हैं, बहुत देखो बहुत तेजों की बारिश पड़ रही है, बूंदे बहुत तेज हो गई हैं, इतनी तेज बारिश पड़ चुकी है बहुत ज्यादा। और हम लोग जो है हम तीनों भीग चुके हैं, हमारे पास आईफोन है, फोन कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फुल वाटर प्रूफ है, लेकिन हम तीनों भीग चुके हैं बहुत पूरी तरीके से। अब यहाँ पे रुका है हमें कहीं, मतलब कहीं भी देखो इधर से वहाँ तक रुकने की कोई जगह नहीं है, कहीं पे भी कहीं वो ट्रैक्टर भगा लिया ने, कहीं ट्रैक्टर रुको बे गई भगा लिया ने, देखो गाइस जल्दी देखिए हम भीग चुके हैं, फट चुकी है हमारी जल्दी। तो गाइस इतनी तेजों की बारिश हो रही है, हम जो पूरी तरीके से भीग चुके हैं, ये देखिए हमने बाइक यहाँ पे लगा दी, हमें कुछ रास्ते में कुछ नहीं मिल गया था, तो ये चाचा का रिक्शा मिला, हम चाचा का रिक्शा में बैठ गए, चाचा रिक्शा रोके हुए थे। तो गाइस अभी हमें कम से कम आधा घंटा हो चुका है यहीं रिक्शा में बैठे बैठे, अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम जा रहे थे यूपी बाईस ब्लॉग बनाने, लेकिन हम उसके थोड़े ही करीब हैं, थोड़ी ही दूर हैं उससे, लेकिन बारिश रुकना बिल्कुल नाम नहीं ले रही है। देखिए अब भी खूब तेजों की पड़ रही है ये बारिश। ये अफरोज साहब ने पिन्नी मंगाई है फ़ोन रखने के लिए, अफरोज पिन्नी ले आया है, ये पिन्नी इसलिए मंगाई थी क्योंकि फ़ोन हमारे बहुत ही भीग चुके हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं भिजवाना चाहते, ये सब फ़ोन रखेंगे इसमें। ये देखिए मैं अपना भी रखने वाला हूँ, आज वहीं पे निकालेंगे, हम भीग चुके हैं ये, अब हम चलते हैं। तो फाइनली आज हम यूपी बाईस बेग ढाबा पहुँच चुके हैं, लेकिन बहुत ही कठिनाई से पहुँचे हैं, पूरे भीग गए हैं, मैं और अफरोज और ये अपने इरफान भाई, देखो इन्होंने कार चलाई थी, पूरे भीग गए हम, इतने भीगते हुए इतनी मेहनत से आए हैं हम दोस्तों, तुम्हें पता नहीं है, हमारी दो तीन जगह तो हमारी बाइक भी रपड़ने से बची थी। ठीक है आपको आप यूपी बाईस का फुल दिखाएंगे, ये देखिए पूरा यूपी बाईस का नज़ारा, हम पहुंच चुके हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप भीजे कैसे ही पहुंचे लेकिन पहुंच गए, हमने जब कह दिया तो कह दिया, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पूरा यूपी बाईस का पूरा नज़ारा दिखाएंगे खुल्ला। क्या बोलते हैं इरफान भाई? अरे भाई बहुत बारिश पड़ गई, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं यार, और क्या करवाओ यार, सब्सक्राइब कर लो यार विदेश भाई, यार देख लो हालात क्या हो पड़े। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, अभी हम गेट पे ही, ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस हम बाबा हम अंदर एंट्री कर चुके हैं यूपी बाईस बेग ढाबा में, ये देखिए ये अपने इरफान भाई जा रहे हैं, ये चौड़ा आदमी, तो गाइस जैसा कि बताया था बारिश हुई थी, अभी बारिश में देखिए सब पानी पानी हो चुका है यहाँ पे, ये अपने यूपी बाईस का नज़ारा। नदीम भाई शूट करा रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छी लोकेशन आ रही है, और ये अफरोज शूट कर रहा है इनका, तो ये इसका नाम है यूपी बाईस वेज ढाबा। तो है गाइस यूपी बाईस के अंदर एंट्री हो चुकी है, अभी तो हम ग्राउंड में ही घूम रहे हैं, बाकी तो आपको नज़ारा दिखाई दिया है जो भी पूरा है, ये अपना अफरोज भी वीडियो शूट कर रहा है, और ये अपने इरफान भाई, हाँ इरफान भाई मैं अलग शूट कर रहा हूँ भाई, वो अलग शूट कर रहे हैं, वो भी क्लिप डालेंगे, हम सब क्लिप ज्वाइन करेंगे, अभी पूरा ब्लॉग बनाएंगे यूपी बाईस पे उठा वाले, अभी हम जो है ग्राउंड में घूम रहे हैं बाहर बाहर, ठीक है भाई, ये इधर लौंडे तो कुछ शूट कर रहे हैं, फोटो शूट चल रहा है इधर इनका भाई, लोग ये बारिश की वजह से अभी ये झूला वूला सब कुछ बंद हो चुका है, यहाँ पे जितने झूले वूले थे ये सब बंद हो चुके हैं, तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, लाइक करो, फॉलो करो यार, इधर इधर भी पानी पानी है, आओ इधर चल रहा है। वेलकम बैक यू गाइस, बहुत ही शानदार जगह है दोस्तों रामपुर में, कभी भी यहाँ कोई बाहर का, अगर रामपुर को जो है बंदे सब जानते हैं, अगर बाहर का कोई बंदा है अगर रामपुर आए कभी भी तो यूपी बाईस जरूर आए, बहुत ही बेहतरीन ढाबा है ये, बहुत ही बड़ा, घूमने फिरने की बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम आपको अभी तो बाहर ही घूम रहे हैं, अभी अंदर का दिखाएंगे, चलिए अंदर चलते हैं फिर, लेट्स गो। I'm here and I'm feeling fearless, exaggerating.
underrated, that's what you assume. भाई जी यहाँ पे झूला चालू हो चुका है, जैसे कि बताया था बारिश हो रही थी तो बंद कर दी, बारिश रुक गई है तो ये झूला भी चालू हो चुका है। यहाँ पे बच्चों के लिए है, बच्चे झूलते हैं इसमें। इरफान भाई जाओगे क्या झूलने? मुझे भी झूलना है। जाओ, ये बच्चे हैं, छोटा बड़ा बच्चा है, झूलने के लिए बोला है। हेलो भाई, ये बच्चे झूल जाओ इसमें, नहीं झूले अच्छा, उस बार बड़े वाले में, इस वाले में नहीं झूल सकते? तो गाइस जी जैसा कि ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं भाई उसमें बड़े वाले में कह रहे हैं इसमें। तो गाइस जी देखिए छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, ये बहुत ही शानदार नजारा है, ये देखिए। फाइनली गाइज हम कुछ खाने का डिसाइड करा हमने, देखो क्या ले मिलता है वहाँ पे। नदीम भाई जा रहे हैं लेने के लिए, आते हैं गाइज। यहाँ पे तो फेवरेट चीज़ है, हम आपको बताते हैं। रसमलाई बोलिए तीन। तो गाइज यहाँ की जो है रसमलाई बहुत ही बेस्ट, बहुत ही बेहतरीन लगती है, तो हम पहले रसमलाई लेते हैं। 120 40 रुपये की रसमलाई है, रेडी बता। गुलाब जामुन 30 रुपया। और गाइस देख लीजिए कभी तुम आना इधर, तो इधर पर आना होगा तो हो गया। तो गाइस हमने ऑर्डर दे दिया है, कुछ ही देर में, कितनी देर में मिलने वाले, कितना टाइम लगेगा? 5 से 10 मिनट बता रहे हैं भाई, कह रहे हैं 5 से 10 मिनट लगेगा। ये ऑर्डर ले लिया है गाइस हमने, कहाँ चलते हैं, थोड़े देर वेट करते हैं। तो गाइज काफ़ी मज़ा आ रहा है, कभी आप आएँ तो आपको बहुत इन्जॉय आएगा। ये यूपी वाइज ढाबा है, इसका वेज ढाबा है इसका नाम। आराम से आइए और मज़े उड़ाइए, यहाँ पे बारिश हो गई तो और भी ज़्यादा अच्छा माहौल हो रहा है। ये दोनों आ रहे हैं, तो गाइज ये दोनों डिसाइड कर रहे हैं, 5-5 रुपये डाल लेते हैं दोनों कुछ। तो गाइज ये रसमलाई आ चुकी है और नदीम भाई रखने की सोच रहे हैं, कहाँ रखें? गाइस ये देखो ठूंस रहे हैं, पहले रसमलाई आ चुकी है और ये नदीम भाई खा रहे हैं, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। अच्छा, और ये मेरी रखी है और ये हमारा फ्रोज खा रहा है। अफरोज कैसी लगी? बिल्कुल बेकार। इसे तो बेकार ही लगती है गाइस, ये उल्टा ही बोलता। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, अच्छी है। भाई ये जो है चाट चुके हैं, बिल्कुल खत्म कर चुके हैं, तीनों रसमलाई खा चुके हैं हम। अब कुछ पराठा वराठा खा लेते हैं, यहाँ पराठे बहुत फेमस है, अंदर चलते हैं। वाह, आ जाओ, अब चलते हैं गाइस अंदर। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अंदर, ये अपने इरफान भाई और ये अफरोज, अंदर कुछ खाएं पिए जरा। Like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for. All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my. तो finally guys आ चुके हैं यहाँ पर ये, और ये कर रहे हैं order. देखिएगा नदीम भाई क्या खाने का मून है? गोलगप्पे खाएंगे, तो हम गोलगप्पे मंगवा रहे हैं और समोसे मंगवा रहे हैं। इन दोनों में लड़ाई चल रही है, क्या मंगवा में, क्या मंगवा में, इधर के लिए तो गाइस इधर के लिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं दोनों। क्या मंगवाओ भाई, थोड़ा सा ही मंगवा लो, यहाँ से उल्टा सीधा गोलगप्पे, 6 गोलगप्पे लिए, 3 समोसे लिए। अरे वो कहाँ पराठा भी तो था, पराठा ये है तो पराठा, ये
ये वेटर साहब से उनको बता रहे हैं मतलब क्या आना है क्या नहीं आना है। गाइस ये अंदर रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। आइए एक बार और मज़े लीजिए। छोला भटूरा और 6 पीस गोलगप्पे के और 3 समोसे। एक छोला भटूरा, एक गोलगप्पे, मतलब एक में 6। हाँ 6 और एक 3 समोसे। 3 समोसे हाँ। गोलगप्पे आटे के लिए सूजी के ना आटे के मारो आटे का सूजी के सूजी के सूजी के सूजी के लिए ठीक है भैया। कितने बनाओ कितने बनाओ? तो भाई जी हमारे भाई इनको ऑर्डर दिया था, ये ऑर्डर लेकर आते हैं, अभी टाइम लगेगा 10-15 मिनट लगेंगे। हम ऊपर जा रहे हैं घूमने के लिए, ऊपर देखते हैं। तो भाई जब हम जाते हैं ऊपर देखते हैं। भाई जब ऊपर आ चुके हैं, ऊपर देखते हैं क्या क्या माहौल है। कोई खास नहीं लग रही है ऊपर, वैसे तो हमने देखा था कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ऊपर तो कुछ क्या है, कुछ भी नहीं है ऊपर। तो ये क्या है ऊपर भाई, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। ये भाई नीचे से आए हैं, हम ऊपर आ गए थे, भाई कह रहे हैं कि ऑर्डर आ चुका है, रेडी ऑर्डर हमारा, तो हम ऑर्डर लेने जाते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। तो गाइस फाइनली ये ऑर्डर आ चुका है अपना, ये छोले भटूरे और ये अपने बतासे और ये समोसे। तो गाइस अब खाएंगे इनको और मिलते हैं हम। ये नदी माई आके बैठ गए, इन्हें कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है, हमें छोड़ के हमें बताया नहीं गाइस इन्होंने बिल्कुल भी। बहुत ही टेस्टी। तो गाइस ये है छोले भटूरे और ये दोनों में भरी पड़ी है, और इधर है हमारे बसाते और ये समोसे। तो भाई ये बाकी सामान रखा है, और ये देखो अफरोज की, तो भूखे की देखो भूखे की, अरे अरे अरे। तो भाई इससे बच के रहना पड़ेगा। चलो मैं भी खा लेता हूँ, नहीं तो ये दोनों बंदर छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो भाई ये एक मेरा बच्चा है और इस पर अफरोज की नज़र है बहुत ज़्यादा, इस पर बहुत ज़्यादा नज़र है इस पर, इसका मुँह नहीं चल गया कह मैं बोलूँगा। तो गाइस ये पता नहीं क्या पिस्तौल का दाना रखा है। तो गाइस ये आ चुका है भटूरा दोबारा से। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं खाऊंगा। इधर को आज मैं वीडियो बनाने के चक्कर में रह गया, मुझे कुछ इरफान जो था इधर को रख दो यार आराम से। पहले भी तब फंस गया, वाले बनाओ बड़े बड़े भाई। देख रहे हो तुम, हाथ देख रहे हो हमारे सब भूखे, मैं भी भूखा हूँ, मैं भी कम ना हूँ इनसे भाई। तो गाइस ये देखिए इधर बेटर को धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्होंने चाट लिया आप लोग तो बड़ी चाट दी। तो गाइस इसमें चटपटा अचार था, इसमें चटपटा अचार था और दोनों में छोले थे। तो ये भी साफ कर दी, ये भी साफ कर दी, ये भी साफ कर दी, ये भी साफ कर दी। अफरोज ये अब अगर ये डिबिया ना खा ले अब, ये डर लग रहा है, ये नमक की डिबिया है गाइस। मैं बोलूंगा ले ले चल गाइस। बहुत मस्ती आ गई। तो गाइस जैसे कि आप प्लेट का आकार देख रहे हैं, हमने पूरी तरह से इसको साफ कर दिया है, क्योंकि वेटर जो है उन्हें धोने की परेशानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम पूरे दिन के भूखे थे, निकले हुए थे, हमने पूरा इसको साफ कर दिया है। तो आप भी आइएगा, आप भी ऐसे साफ करिएगा खूब चाट चाट के। कुछ कहना चाहिए भाई? तो गाइस चाट लिया, कुछ नहीं है, कुछ ख़त्म हो गया, पानी मुझे छोड़ ले। तो गाइस बहुत मस्ती आ रही है दोनों को, ना गोलगप्पे खा के मस्ती आ रही है, पेट दबा कितना बढ़ा लिया गोलगप्पे खा खा के। और अफरोज ने कुछ बढ़ाया नहीं, अरे गोलगप्पे कहाँ फेंक रहे भाई तू। ओहो तो आ गया है बिल और देखते हैं। तो गाइस गोलगप्पे ये नहीं खा रहा है, गोलगप्पे इसे खा रहे हैं।
तो गाइस बिल आया है इधर 656 रुपए का, 656। ये जो है मिश्री, ये भी दे दो। 656 का बिल आया, लेकिन इसे मैं लेके जाऊंगा जेब में भर के, तो आराम से खाऊंगा घर, नाना दिन बाद जेब में भरो। तो गाइस खाना हो गया है, हम चलते हैं बाहर। तो गाइस खाना वाना हो गया है, हमने खाना खा लिया है।